Shalom everyone. Hi to all. Now today how we'll design different type of shape inside MS Word. ठीक है, देखते हैं। हम स्टार्ट करके क्लिक किया, स्टार्ट किया मैंने। न्यू ओपन किया पेज, हम इंसर्ट पे गए और हमने शेप इंसर्ट की। शेप इंसर्ट कर रहे हैं हम इस पे, देखें। और दोबारा हम गए, देखें दूसरी शेप लेते हैं इसमें से। ये शेप एंटर की, अब इसके कलर भी चेंज कर सकते हैं। क्लिक किया हमने, ब्लैंक भी रख सकते हैं हम, ठीक है। वो डिपेंड करता है आप पे किस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं कलर्स। तरह से मुख्तलिफ आप डिजाइन कर सकते हैं। अब मैंने ये किया दोबारा, मैं एक हाउस होम बनाना चाह रहा हूँ। बहुत ही इजी वे है लेकिन इसको समझना पड़ता है। और ये देखते हैं इसमें दूसरी चीजें भी डिजाइन कर सकते हैं इजीली। और हमने फिल किया इसको, डिफरेंट कलर यूज कर सकते हैं अब अगर करना चाहें तो। अगर इसमें लिखना चाहें आप डबल क्लिक करें, राइट बटन ऑफ द माउस क्लिक करें, ऐड करें, यहाँ लिख सकते हैं आप इजीली। मैं इसमें काफ़ी करामदें हैं शेप्स वगैरह, इसको आप बोर्ड अटैलिक वो भी कर सकते हैं। ये क्लिक करें होम पे, बोर्ड, और इंक्रीज द साइज ऑफ दिस कर सकते हैं, साइज इंक्रीज। इसके राइटिंग जो आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। और बाकी वीडियो आप देख सकते हैं मेरी, इसमें ये पार्ट फाइव है। 1, 2, 3, 4 भी आप देख सकते हैं इनिशियल किस तरह स्टार्ट लेंगे आप लोग। अच्छा, इसको सेविंग मुख्तलिफ सेव कर सकते हैं आप इजीली। एक तरीका ये है कि इसी डॉक्यूमेंट के नाम से, अगर आपने टेम्पलेट बनाया है तो वर्ड के नाम से या पीडीएफ के नाम से भी सेव कर सकते हैं आप इजीली, ठीक है। कर सकते हैं, नेम चेंज रख सकते हैं इसका। ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और कोई भी कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स दें, मैं उनको इंशाल्लाह जवाब दूंगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो भी आती रहेंगी इसी तरह। इसमें मैं ज़्यादा वीडियो जॉब्स के बारे में और सॉफ्टवेयर यूज़ के बारे में बनाता रहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।